अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज अपने व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से करूँगी कि आज मैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि दुबई से जो मेरे लिए गिफ्ट्स आई थी, जो मेरी नंद लेकर आई थी, तो मैंने सोचा आज जो है वो व्लॉग बस उनके ऊपर ही बना लिया जाए क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ख़राब थी। तो स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। और यहाँ पर जो है ये कुछ कैंडीज थी, चॉकलेट्स एंड खजूरें वगैरह जो कि बच्चों वगैरह के लिए आई थी। तो ये मेरे लिए वो गिफ्ट लेकर आई है, ठीक है। और तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी ओपनिंग करती हूँ मैं आपके सामने। ये ना मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। ये सारे जो है ना बर्तन है, ठीक है, वो मेरे लिए ना लेकर आई थी, क्रॉकरी लेकर आई, क्योंकि मुझे जो है पसंद क्रॉकरी पसंद है, ठीक है, और मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से जो है मेरे लिए वो जो है ना ये चीज़ें लेकर आई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। वैसे ये पैक थे, ठीक है, मैंने इनको इनकी पैकिंग शैकिंग उतार दी है, सही है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि क्या क्या जो है वो मेरे साथ मेरे लिए जो है वो लेकर आई। तो चलें अब स्टार्ट करती हूँ आपको दिखाना और आपको बताती हूँ कि इन सब में क्या है। सबसे पहले मैं करती हूँ इसको ओपन, और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये सेट है एक सॉसेस का, इसके हम अंदर जो है ना वो सॉस रख सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग मैक्रोनी बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये कुछ इस तरह से है बाहर से, ठीक है, और अंदर से ये कुछ ऐसे हैं। और ये बहुत प्यारा है, यानी कि छोटे छोटे हैं। इसके अंदर हम मैं कोई भी रेसिपी बना के तो इसके अंदर हम अपने रायता रख सकते हैं, सॉस रख सकते हैं। जब ऐसे भी सर्दी है, मौसम चेंज हो चुका, तो हम इसके अंदर जो है सिरका, सूप वगैरह की चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत है ना, एक तो ये है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, मैंने उसको ख़ुद ही कहा था, मैंने कहा था मेरे लिए ना कोई मतलब वो नहीं लेकर आना, कपड़े वगैरह ऐसे नहीं लेकर आना, ठीक है। वैसे तो बाहर से जो भी आता है चॉकलेट्स हैं और साथ खजूरें वगैरह जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा जो है वो ये चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा ये ट्रे है, ठीक है, पास्ता के लिए, इसमें मैक्रोनी, क्योंकि मुझे ना क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी ना तबीयत भी नहीं ठीक हो, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैंने इसकी मेडिसिन भी ली है। इसी वजह से मैंने सोचा आज मैं ना गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करती हूँ, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से है, बहुत ही प्यारी की जो है ना ये ट्रे है। इसके अंदर मैं बनाऊँगी मज़े मज़े की चीज़ें और फिर आपके साथ शेयर करती जाऊँगी साथ साथ। सेकंड जो मज़े की चीज़ है ना वो मुझे सबसे अच्छी ये लगी है, ये फिश, ये है फिश, ये रायते के लिए है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से है। ये जो फिश है ना ये मुझे बहुत प्यारी लगी, ठीक है, ये रायते के लिए है। इसके अंदर भी मैं ख़ास तौर पे जो है मारोस को भी कुछ बना के दे सकती हूँ, लेकिन इसमें हम रायता भी रख सकते हैं। और बहुत मज़े की है, छोटी सी क्रिस्टल का ये पीस है, ठीक है, इस तरह से। और जो सबसे अमेजिंग है ना वो ये है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो मुझे ये कुछ इस तरह का है, बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसे है। इसमें हम ना टू टाइप्स के ये ड्रिंक बना के सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आगे जो है काम तो ये आएगा समर में, लेकिन अच्छा है ये। ये देखें ये कूलर है, इधर हम दो तरह के ड्रिंक्स बना के रख सकते हैं। ये कुछ ऐसा है, मैं इसको खोल के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये अंदर से कुछ ऐसे है, ठीक है, ये इसकी ये जो क्या कहते हैं टैप है ना, टैप, ये भी लगाने वाले हैं, ठीक है। ये मैं जब हस्बैंड आएंगे तो प्रॉपर उससे लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं यूज़ करूँगी, फिर वक्त आप इसको ऐसे ही देख के इन्जॉय कर सकते। ये प्लेट्स हैं, ठीक है, और मैं आपको बाहर बाहर से दिखा देती हूँ कि क्या है। और ये है जी कुछ, ये एक ये सेट है, ठीक है, ये टी सेट है आई थिंक, ये पूरा कुछ ऐसा है, ये टी सेट है। अच्छा, और ये है ये सेट है, ठीक है। ये पैकिंग कुछ इस तरह से की थी क्योंकि सफ़र था ना, ट्रैवल करते वक्त जो है वो अक्सर ये कांच की चीज़ें वगैरह टूट जाती हैं, ठीक है, तो ये इस तरह का मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से, ये आइसक्रीम सेट कह सकते हो आप इसको। इसमें हम फलूदा भी मैं बना के आपको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फलूदा भी, और मैं बहुत मज़े का बनाती हूँ, कभी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और ये इतने मज़े के ये जो है ना वो शीशे का
ये चीज़ें, ठीक है। मुझे तो ये चीज़ें बहुत पसंद आई क्योंकि मुझे क्रॉकरी पसंद है, मेरा काम है कुकिंग करना और मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। तो बस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आज जो थी तबीयत की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई, तो मैंने कहा अपनी इस हैप्पीनेस को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होंगी चीज़ें, और आपने मुझे बताना है कि आपको ये गिफ्ट्स कैसे लगे मेरे। अगर अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और छोटे से व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।